कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ स्किन टच में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पांच ऐसे DIY लेके आई हूँ जिससे कि आप अपने घर को डेकोर कर सकते हो, और अगर आपका घर छोटा सा है तो बहुत सारा स्पेस बचा सकते हो। दोस्तों, ये सभी DIY फ्री ऑफ कॉस्ट में बनने वाले हैं, और ये सभी DIY जो हमारे घर में बेकार कार्डबोर्ड पड़े रहते हैं, यानी कि जूते जब हम लेके आते हैं उनके बॉक्स पड़े रहते हैं, या फिर कोई भी हम ऑनलाइन सामान परचेज करते हैं जिस बॉक्स में वो आता है, इन्हीं सब से ये DIY बनाना आपको बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत ही यूजफुल लगेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं हमारे फर्स्ट DIY की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया है, और एक यहाँ पर इसके साथ लिया है पुराना पिलो कवर जो कि हमारे बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। तो अभी हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड के ऊपर वाले पार्ट को हमें कट कर देना है। मार्केट में मिलेगी, आप इसको ले लीजिएगा, और इसकी मदद से हम इसको सही कर देंगे, यानी कि इसको जोड़ देंगे। तो बहुत ही कमाल की पेपर टेप है दोस्तों, आपको बहुत ही ज्यादा मदद करती है किसी भी कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए। तो आप इस तरह की पेपर टेप ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से ये ले लेनी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से कोई भी पुराना पिलो कवर लेना है, जैसे कि ये मेरा बहुत ही ज्यादा पुराना पिलो कवर था। तो इसको क्या करना है दोस्तों, आपको ये बॉक्स इस तरह से करना है और इसके अंदर आपको फिट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, जैसा हमने पहले किया था वैसे ही सेम करना है। और उसके बाद दोस्तों, ये दो कोने होते हैं, इसी तरह से इनको इस तरह से प्रेस करना है और इसके अंदर आपको इसको फिट कर देना है। दोस्तों देखिए, ये कितनी इजी तरह से फिट हो गया है, क्योंकि जो इसका जो चौड़ाई है ना दोस्तों वो कम है और जो लंबाई है वो ज्यादा है, तो बढ़िया रहता है लंबाई ज्यादा रहती है तो। और क्योंकि इसमें हम बहुत सारा जो है सामान स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपको करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, जो ये खुले वाला पार्ट होता है इसको इसी तरह से आपको लेके आना है। ये देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से करना है, ये वाला, ये अंदर की तरफ, एंड फिर आपको इसमें ये फिल करना है। दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम इस तरह इस साइड का भी कर लेंगे। ये देखिए, अब क्या करना है दोस्तों, इसको उल्टा करना है, और जो ये साइड है इसी में हम फिर से सेफ्टी पिन ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये जो कपड़ा है ना दोस्तों, ये जो बेडशीट है, इसकी बेडशीट थी वो मैंने अमेजोन से मंगवाई थी 120 में। ये सिंगल बेडशीट है दोस्तों, सिंगल बेडशीट है, तो ये 120 में मंगवाई थी दोस्तों। इसका कपड़ा बढ़िया है, आप इसको चाहे तो इसको रोजाना वॉश भी कर सकते हैं, मशीन में भी वॉश कर सकते हैं, और हाथ से अगर आप इसको वॉश करते हैं तो इजिली ये क्लीन भी हो जाता है। तो इस तरह से हम दोनों साइड पिन को अटैच कर देंगे दोस्तों, देखिए। और अब ये जो है हम इसको भी इसी तरह से अंदर अटैच कर देंगे। फिनिशिंग के साथ करेंगे दोस्तों, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसके अंदर फिनिशिंग आनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बताया जाता है कि अगर आप मतलब मेहनत से काम करने की जगह अगर आप स्मार्टली उस काम को करते हैं तो वो ज्यादा रंग लेके आती है। तो दोस्तों, हमें मेहनत के साथ साथ जो है स्मार्ट तरीके से भी जो है वर्क करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, एक हमारा जो ऑर्गेनाइजर है एक और बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसको क्या करना है दोस्तों, ये जो कार्डबोर्ड के पीस है इसको हम इसी तरह से अटैच करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो पेपर टेप की मदद से भी इसको एक बार अटैच कर सकते हैं इन दोनों को, लेकिन मैंने इसको अलग अलग ही अटैच कर दिया।
ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हमारा जो ऑर्गेनाइजर है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कितना सारे कपड़े आ गए हैं, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इसके जैसा मैंने एक और DIY बनाया है, तो मैंने ये दोनों ही पुराने पिलो कवर से बनाए हैं। आई होप आपको ये DIY पसंद आया होगा। अब चलिए हमारे चलते हैं आइडिया नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर लिया है मैंने शूज़ बॉक्स, जिसमें कि हम शूज़ लेके आते हैं। अभी हमें इसका क्या करना है, इसके ऊपर वाले पार्ट को कट करना है। ऊपर वाले पार्ट को कट करने के बाद हम इसके चारों तरफ से कट करके इसी पार्ट को इसके अंदर अटैच कर देंगे, जिससे इसका बेस जो है वो मजबूत हो। अब दोस्तों अगर आप इसको चारों तरफ से रैपिंग करना चाहते हैं 10 रुपये के रैपर से, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। मैं कहूँगी कि आप इसको 10 रुपये के रैपर से रैपिंग कर लीजिए। ये आपके किचन के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा, जिसमें कि आप अपने किचन के छोटे छोटे डब्बे रख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत सारा स्पेस घेरते हैं। और ये बिखरे रहते हैं तो हमारी जो किचन है बहुत ही बेकार लगती है, अच्छी नहीं लगती है, कितनी भी सफाई कर लो। तो इस तरह से आप इस बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको भी रैपर से कवर कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे आपके किचन के डब्बे जो होते हैं छोटे बड़े, वो बहुत सारे स्टोर हो जाते हैं और हमारी किचन भी ऑर्गेनाइज लगती है। अब चलिए चलते हैं हमारे आइडिया नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर फिर से मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है जो कि ऑलरेडी टूटा हुआ है। इसके ऊपर वाले पार्ट को कट करना है। इसके साथ ही हम एक पार्ट को और कट करेंगे। इस पार्ट को फेंकना नहीं है, इस पार्ट को हम नीचे वाले पार्ट से अटैच करेंगे, जिससे कि इसका जो बेस है वो मजबूत बन सके। इससे पहले जब हम अटैच करें इससे, सबसे पहले हमें नीचे वाले पार्ट को अच्छे से टेप से कवर करना है, जिससे कि इसकी मजबूती बन सके। अंदर बाहर अच्छे से आपको सेलो टेप से इसको चिपकाना है। यहाँ पर आप पेपर टेप का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। मैंने यहाँ पर सेलो टेप लिया है और उससे अच्छे से इसको अटैच कर दिया है, इसको स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इसके बाद फेविकोल से जो हमने ऊपर वाला पार्ट कट किया था उसको हम इसके अंदर अटैच कर देंगे। 5 मिनट तक इसको रहने देंगे, ये अच्छे से अटैच हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी रैपर ले लीजिए, 10 रुपये का मार्केट में इजीली मिल जाता है, और उससे आप इसको कवर कर दीजिए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। पेपर कम पड़ गया था इसलिए मैंने दूसरा पेपर यूज़ किया था। तो ये एक और DIY हमारा बन करके बिल्कुल रेडी है। ये मोस्टली किचन के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि किचन में हमारे अगर हमारी छोटी किचन होती है तो उसमें इतनी जगह नहीं रहती है, जिससे कि हम अपने किचन में ऑर्गेनाइज रख सकें या फिर उसको डेकोर कर सकें। तो आप इस ऑर्गेनाइज़र को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, मैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करती हूँ उन सभी को मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी किचन बहुत ज़्यादा छोटी है, क्योंकि अभी हम मुंबई में रहते हैं और किचन का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसी तरह से मैं ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। तो अब चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे आइडिया नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है जो कि मैंने अमेज़न से कुछ परचेज़ किया था, उसके साथ आया था। ऊपर वाले पार्ट को मैं सेलो टेप की मदद से अटैच कर दूंगी, जिससे कि एक बंद बॉक्स बन करके बिल्कुल रेडी हो जाए। ऊपर वाले पार्ट को बंद करने के बाद हम इसको बीचों बीच से कट कर देंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पर 2 बॉक्स हमें मिल जाएंगे। इसके लिए बेस को टाइट करने के लिए अलग से कार्डबोर्ड का पीसेस लेंगे और उसको इन दोनों बॉक्स के अंदर अटैच कर देंगे, जिससे कि इसका बेस मजबूत बन सके। अगर आप चाहें तो इसको रैपर से कवर कर सकती हैं, अगर नहीं चाहती हैं, अगर आपके पास रैपर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकती हैं। मैं यहाँ पर कोई भी रैपर यूज़ नहीं करूँगी, इसको मैं इसी तरह से यूज़ करूँगी। तो इन बॉक्स में आप अपने जो मेकअप का प्रोडक्ट होता है, या क्लिनजिंग मिल्क हो गया, तेल पाउडर क्रीम हो गया, इस तरह से इसमें रख सकती हैं, जो आपके अलमारी में बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरेंगे और आपकी जो अलमीरा है वो जची भी रहेगी। एक में मैं अपनी बेल्ट्स वगैरह रख रही हूँ, क्योंकि बेल्ट्स भी जो है बहुत ही जल्दी खुल जाती है और अनटाइडी सी लगती है। तो इस तरह से आप इसमें छोटे छोटे सामान को स्टोर करके रख सकते हैं। अब चलिए आइडिया नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर मैंने शूज़ बॉक्स लिया है, जिसमें कि हम अक्सर चप्पल लेके आते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को कट कर दिया है, नीचे वाला पार्ट थोड़ा टूटा हुआ था तो इसको मैंने सेलो टेप की मदद से अच्छे से कवर कर दिया है, ताकि ये टूटे ना। इसके बाद इसके बेस को टाइट करने के लिए
यही इसके ऊपर वाला जो पार्ट था जो हमने कट किया था वही लिया है और इसको इसके अंदर हमने अटैच करना है। अटैच करने के बाद दोस्तों हमारा एक और DIY बनके रेडी है। जैसे कि सर्दियों का टाइम आ गया है तो आप इसमें अपने घर की, अपने बच्चों की, अपनी खुद की सभी सॉक्स इकट्ठा करके रख सकती हैं, जो कि बिखरी भी नहीं रहेंगे और टाइम टू टाइम आपको मिल भी जाएगी।